वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 93 से लेके सेक्शन 99 तक, यानी कि आज की वीडियो में हम सेक्शन 93, सेक्शन 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99 डिस्कस करेंगे एविडेंस एक्ट का। बट इन सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो टर्म्स हमारे इन सेक्शन से क्या है, रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं लेटेंट डिफेक्ट एंड पेटेंट डिफेक्ट। अब लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है, पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? अब ये डिफेक्ट वर्ड है, यानी कि कुछ डिफेक्ट के बारे में बता रहे होंगे, तो समझते हैं। लेटेंट डिफेक्ट, अ लेटेंट डिफेक्ट इज वन दैट ओनली एन एक्सपर्ट वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जिसे एक्सपर्ट क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि नॉर्मल पर्सन इजिली उसे क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब एक डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या है, डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट किस नेचर का है, लेटेंट नेचर का है, यानी कि लेटेंट डिफेक्ट है, तो वो इजिली विजिबल नहीं होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट में वो क्या होगा, हिडन होगा वो डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है, अ पेटेंट डिफेक्ट इज वन दैट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाइड बाय अ रीजनेबल पर्सन, यानी कि नॉर्मली जो आइडेंटिफाइड हो जाता है ऐसा डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, पेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा, उसमें हमने इजिली क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रहा डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे हम, पेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। इन द सिंपल वर्ड्स, लेटेंट डिफेक्ट में जो डिफेक्ट होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो डिफेक्ट है वो क्या है, हिडन है, नॉट विजिबल, वो इजिली क्या है, विजिबल नहीं है। और पेटेंट डिफेक्ट में क्या होता है, नॉट हिडन, यानी कि वो जो डिफेक्ट है वो हमारा क्या नहीं है, हिडन नहीं है, वो क्या है, विजिबल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्रीज टू सेल टू बी ₹4,1000 My white horse. A has two white horses. Evidence may be given of the facts which show which of them was meant. अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो ए ने एग्री करा कि बी को क्या कर दूंगा, मैं अपना घोड़ा किस रंग का है, व्हाइट हॉर्स, कि ए ने कहा मैं अपना व्हाइट हॉर्स क्या कर दूंगा, बी को दे दूंगा, कितने प्राइस पे, ₹1,000 पे। अब जो यहां डिफेक्ट है वो क्या है, डिफेक्ट क्या है, ए हैज टू व्हाइट हॉर्स। अगर हम नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ए ने क्या करा, एग्री कर दिया कि वो ₹1,000 में क्या दे रहा है, अपना व्हाइट हॉर्स दे रहा है, बी को सेल कर रहा है, तो उसमें क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां डिफेक्ट है। अब डिफेक्ट की सिचुएशन क्या है, ए के पास दो घोड़े हैं और दोनों ही क्या है, व्हाइट रंग के हैं, और एक बहुत ज्यादा हेल्दी और एक बहुत ज्यादा क्या है, छोटा सा है, और वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, एविडेंस दे सकती है पार्टी कि सर जो हमारा डॉक्यूमेंट हुआ है वो किस व्हाइट हॉर्स के लिए हुआ था, जो हेल्दी व्हाइट हॉर्स है, क्लियर। तो लेटेंट डिफेक्ट क्या हो गए, जो हमारे क्या है, हिडन है। बात करते हैं पेटेंट डिफेक्ट्स के बारे में, जो हमारे क्या होंगे, इजिली विजिबल होंगे। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी ₹4,1000 और ₹1,500, यानी कि ए ने एग्री करा कि वो अपना हॉर्स क्या कर देगा, सेल कर देगा बी को ₹1,000 में और ₹1,500 में। तो यहाँ जो कंसिडरेशन अमाउंट है, यानी कि जो प्राइस है हॉर्स का, वो क्या है, अनसर्टेन है, क्लियर। तो यहाँ इजीली दिख रहा है कि अब मैं आपसे कोई चीज़ कहता हूँ कि मैं अपनी बाइक दे रहा हूँ आपको ₹30,000 में या ₹35,000 में, तो यानी कि यहाँ क्या है, जो हमारी कंसिडरेशन अमाउंट है, जो प्राइस है, वो क्या फिक्स्ड है, नहीं। तो इस सिचुएशन में आप क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि यहां जो डिफेक्ट है वो क्या है, विजिबल है, वो हिडन है ही नहीं, वो इजिली क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, क्लियर। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू गिवन, यहां पे क्या था हमारा, ब्रैकेट में मैंने लिख भी रखा है नीचे, अनसर्टेन कंसिडरेशन, क्लियर। होपफुली आपको पेटेंट और लेटेंट डिफेक्ट के बारे में समझ आ चुका होगा। कम टू द सेक्शन नंबर 93, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस एम्बिगियस और डिफेक्टिव, एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट। अब ये चीज कही गई है हमारे सेक्शन 93 में कि हम एविडेंस नहीं दे सकते। तो आपको मैंने अभी लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट बताया था, तो एविडेंस किस चीज में नहीं दे सकते थे, पेटेंट डिफेक्ट में हम क्या नहीं दे सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। क्यों?
क्योंकि वहां पे जो डिफेक्ट था वो क्या था, विजिबल था। वहां पे जो डिफेक्ट क्या था वो हिडन नहीं था, नॉट हिडन, सर ने पढ़ाया था पीछे वाली स्लाइड में। तो ये जो सेक्शन 93 है वो किससे रिलेटेड है, पेटेंट डिफेक्ट से रिलेटेड है। तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख रखा है, पीडी, पेटेंट डिफेक्ट। क्लियर बच्चों? अब ये समझना, जब किसी भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट में, जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज हुई है, यहाँ लैंग्वेज का मीनिंग ये नहीं है हिंदी इंग्लिश, यहाँ लैंग्वेज का मतलब है जो भी कंटेंट यूज हो रखा है। जैसे अभी आपको इलस्ट्रेशन में और अच्छी तरीके से समझ आएगा, जो भी चीज हमारी डॉक्यूमेंट में कही गई है उससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको समझाया भी था। ये इलस्ट्रेशन वन, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स, कि ए क्या करता है, एग्री करता है राइटिंग में, क्यों, डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, ए क्या करता है राइटिंग में एग्री करता है कि वो अपना घोड़ा किसे दे देगा, बी को दे देगा, और जो प्राइस है वो क्या है, 1000 और 1500। तो यहां पे क्या है, अनसर्टेन कंसिडरेशन। क्लियर? तो इस सिचुएशन में हम क्या नहीं दे सकते, एविडेंस नहीं दे सकते, और ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एग्रीमेंट है राइटिंग में, जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बी, ए डीड कंटेन्स ब्लैंक, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो हाउ देवर मीन्स टू बी फाइल्ड। अब देखिए यहां डीड का एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी क्या है, हमारी गिफ्ट डीड है, यानी कि मैंने कहा गिफ्ट डीड में, मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैं अपनी कार, मैं अपना फार्म हाउस सब क्या कर दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा, और वहां पे मैंने पर्सन का क्या लिखा, नेम ही नहीं लिखा, डीड क्या है, ब्लैंक है। तो ये तो हमें क्लियरली विजिबल होगा कि आप अपनी सब चीज क्या कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, कर किसे रहे हो, जब नेम ही मेंशन नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे पेटेंट डिफेक्ट का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 94, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन। प्लेन मतलब क्लियर, जब लैंग्वेज क्या हो, सेक्शन 93 में क्या थी, डिफेक्टिव लैंग्वेज थी, और यहां पे जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, वो प्लेन है, क्लियर है, इन इट सेल्फ एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वॉज नॉट मीन टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स। अब देखिए कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट की, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट की क्या है, जो लैंग्वेज है वो क्या है, क्लियर है, और जो उसका एप्लीकेशन है वो एज पर द डॉक्यूमेंट ही हुआ है। तो उस सिचुएशन में आप क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स टू बी बाय डीड माय स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। ए हैज एन स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द स्टेट मीन टू बी सोल्ड वॉज वन सिचुएटेड एट अ डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब फॉर एन एग्जाम्पल ये समझिए, मेरी कोई प्रॉपर्टी है दिल्ली में, वो 100 बीघा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने एग्री कर लिया कि मेरी जो दिल्ली में प्रॉपर्टी है 100 बीघे की, वो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को सेल कर रहा हूँ, और बी ने क्या ले लिया, उस चीज़ का क्या ले लिया, प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, जो हमारे अग्रीमेंट की, डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो क्या थी, क्लियर थी कि शुभम सर का दिल्ली में जो 100 बीघे हैं वो मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, और शुभम सर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यानी कि उसी स्टेट में, यानी कि दिल्ली में हमारा क्या है, 100 बीघे भी हैं, और बी क्या ले रहा है, वो उसे खरीद भी रहा है और पोजीशन भी दे रहा हूं मैं उसे। तो यहां पे क्या क्लियरली मेंशन है हमारे डॉक्यूमेंट में, जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्लेन है, क्लियर है, और जो उसका इंप्लीकेशन है वो एज पर दी डॉक्यूमेंट भी हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। सॉरी, जो दिल्ली में 100 बीघा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे सिचुएशन में इस चीज का एविडेंस नहीं दे सकता कि जो दिल्ली में 100 बीघे है मैं उसके बारे में बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो गाजियाबाद में 10 बीघे के बारे में बात कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज क्या है, क्लियर है, प्लेन है, तो वहां आप क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। क्लियर? कम टू द सेक्शन नंबर 95। सेक्शन 95 क्या कहता है, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग। यानी कि जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट की वो तो क्या है, प्लेन है, क्लियर है, बट मीनिंगलेस है, अनमीनिंग इन द रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। एविडेंस मे बी गिवन to show that it was used in a peculiar sense। वो क्या है, meaningless है, वो reference existing fact से क्या नहीं कर रही, refer नहीं कर रही है। तो उस situation में क्या कर सकते हैं, evidence दे सकते हैं। evidence देना किस में पड़ा था हमने,
एविडेंस दे सकते हैं, याद करो, जब क्या थी हमारा जो डिफेक्ट था वो क्या था, हिडन था, नॉट विजिबल। किस डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एलडी, एलडी मींस लेटेंट डिफेक्ट, क्लियर। अब इसे इलस्ट्रेशन से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ए सेल्स टू बी बाय डीड माय हाउस इन कलकत्ता। ए ने क्या करा, सेल डीड से क्या करा, बी को अपना हाउस दे दिया कलकत्ता में, जो उसका हाउस था। ए हैड नो हाउस इन कलकत्ता, ए का कोई भी घर ही नहीं था कलकत्ता में, बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस, ही हैड अ हाउस एट हावड़े, यानी कि जो ए का हाउस था वो कहां था, हावड़े में था। ऑफ विच बी हैड बी इन पोजिशन, और जब सेल डीड हुई उनकी तो बी ने क्या ले लिया, पोजिशन ले लिया हावड़े में, जो उसका हाउस था किसका, ए का। सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, दिस फैक्ट मे बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट हावड़ा। तो यानी कि ये हमारी डीड बताती है, ये फैक्ट प्रूव करती है कि यहां जो बात कर रहे हैं सेल की, वो किस हाउस के बारे में बात कर रहे थे, हावड़ा वाले फ्लैट के बारे में बात कर रहे थे, हावड़ा वाले हाउस के बात कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता में ही तो है हावड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है दिल्ली में, मेरा एक हाउस है 3 BHK, वो मैंने किसे दे दिया, ए पर्सन को दे दिया। अब दिल्ली में क्या है, कनॉट प्लेस है, तो यानी कि हमने कनॉट प्लेस में एक पर्टिकुलर प्लेस में मेंशन नहीं करा। या एक चीज मान लीजिए, दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर में यानी कि दिलशाद गार्डन में मेरा कोई फ्लैट था, वो मैंने किसी पर्सन को दे दिया, तो बात किसकी हो रही थी, यहां पे हम एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि जो ए पर्सन था उसने मेरा क्या लिया, जो दिलशाद गार्डन वाला फ्लैट था उसका पोजीशन ले लिया। तो उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। हमारी चीज तो क्लियर थी, वो अनमीनिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि हम उस चीज में एविडेंस दे सकते हैं, हम किस फ्लैट के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमने पोजीशन भी दिया है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन नंबर 96, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट द लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मीन्ट टू अप्लाई टू एनी वन एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन ऑफ सेवरल पर्सन और थिंग्स। एविडेंस मे बी गिवन, एविडेंस किस में दे सकते हैं हम, याद करो, लेटेंट डिफेक्ट में। लेटेंट डिफेक्ट में क्या था, हमारा जो डिफेक्ट था वो क्या था, हिडन था, क्लियर। मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ दोज पर्सन और थिंग्स इट वॉज इंटेंडेड टू अप्लाई टू। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर 96 कहता है कि जहां पे हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्या है, सेवरल पार्ट्स, सेवरल थिंग्स का इंडल्जमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी ब्लैक वाली कार 7 लाख रुपीज में ए पर्सन को दे रहा हूं। अब मेरे पास 5 कार है ब्लैक रंग की, सारी की सारी जो मेरी कार है वो ब्लैक रंग की है, तो अब मैं कौन सी ब्लैक रंग की कार के लिए एग्री करा है रिटर्न में, वो चीज कौन बताएंगे, कैसे बताएंगे, एविडेंस से। हम उस पर क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि मेरी ब्लैक रंग की वरना के बारे में क्या हुई थी, हमारा अग्रीमेंट हुआ था, क्लियर। इलस्ट्रेशन ही आपने समझ भी रखी है, देखते हैं इलस्ट्रेशन में आते हैं। ये चीज मैंने आपको इलस्ट्रेशन पहले भी बता रखी है। ए एग्रीज टू सेल टू बी 4 रुपीज 1000। हमारी कंसिडरेशन भी क्या है, सर्टेन कंसिडरेशन होगी। ए ने क्या करा, राइटिंग में अग्री कर लिया कि मैं बी को दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, माई व्हाइट हॉर्स। अब बी के पास क्या है, ए हैज 2 white horses, ए के पास क्या है, 2 white घोड़े हैं। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ देम वाज मेंट, कि किसके बारे में बात कर रहे थे दोनों, यानी कि ए और बी किस घोड़े के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, क्लियर। अब जो मेरी ब्लैक कार है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए मेरी एक ब्लैक स्विफ्ट है, एक ब्लैक वर्ना है, और एक ब्लैक क्या है, क्रिएटा, और ब्लैक क्या है, स्कॉर्पियो। अब मैंने क्या कहा कि मैं अपनी ब्लैक कार बी को दे रहा हूं 7 लाख रुपए में, और वहां मैंने क्या करा, वहां स्विफ्ट दे दी। तो यहां क्या कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, एविडेंस दे सकती है कि हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या है, हमारा लेटेंट डिफेक्ट के बारे में बात हो रही है, हम तो स्विफ्ट के बारे में नहीं, हम वर्ना के बारे में बात कर रहे थे, क्लियर। होपफुली आप सभी को एग्जाम्पल से समझ आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तब भी मैं कहीं, अगर मेरा लैक हो रहा है, मैं नहीं समझा पा रहा आपको टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए। अगर कमेंट्स में मेंशन नहीं कर सकते तो पर्सनली मुझे DM करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। कम टू द सेक्शन नंबर 97, सेक्शन 97, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट ऑफ फैक्ट्स
टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू आइदर एविडेंस मे बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द टू इट वॉज मेंट टू अप्लाई. यानी कि हम एविडेंस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. तो जहां आप एविडेंस देखो तो वहां किसके बारे में बात होगी कि किस चीज में हम किस डिफेक्ट में एविडेंस दे सकते थे. तो लेटेंट डिफेक्ट में क्या कर सकते हैं, हम एविडेंस दे सकते हैं. जहां डिफेक्ट क्या है हमारा, हिडन है, क्लियर, विजिबल नहीं है, तो हम लेटेंट डिफेक्ट में क्या कर सकते हैं, हमारे एविडेंस दे सकते हैं. अब इस जो सेक्शन 97 है वो क्या कहता है, सेक्शन 97 क्या कहता है कि जो आपकी पार्टली चीज है वो किसी और सेट के बारे में बात करिए और पार्टली जो थिंग है वो किसी और के बारे में बात करिए. अगर हम होली अप्लाई करते हैं तो अप्लाई हो ही नहीं रही करेक्टली. कैसे, इलस्ट्रेशन से समझते हैं. ए एग्रीज टू सेल टू बी. ए ने क्या करा, एग्री करा कि बी को मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा अपनी जमीन. अब जमीन क्या है, माई लैंड एट एक्स, मेरी जो जमीन है एक्स जगह में. फॉर एन एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि मेरी जो जमीन है गाजियाबाद में वो मैं क्या कर दूंगा, बी को दे दूंगा, यानी कि बी को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा. इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, जो किसके कब्जे में, वाई के कब्जे में. यानी कि मैंने कहा कि मेरी कोई गाजियाबाद में जमीन है जो वाई इंसान के पास है, वो मैं क्या कर दूंगा, बी को सेल कर रहा हूं. ए हैज लैंड एट एक्स, ए के पास लैंड है. आप समझना, यहां से कंफ्यूजन होता है. ए के पास लैंड है यानी कि सर के पास लैंड है, एट एक्स यानी कि गाजियाबाद में जो सर, जिस जो सर ने बी को सेल करी है वो गाजियाबाद में लैंड है, बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बट वो कब्जे में नहीं है वाई के. एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और जो लैंड वाई के कब्जे में है वो एक्स जगह नहीं है, यानी कि जो लैंड वाई के कब्जे में है वो गाजियाबाद में नहीं, कनॉट प्लेस में है, क्लियर, दूसरी जगह है. एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल. तो यहां पे एविडेंस दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप, इसे समझते हैं. एक और बार एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मेरी कोई जमीन है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको अपनी जमीन बेच रहा हूँ, क्लियर, एग्री हो जाता है, आप मुझे पेमेंट कर देते हैं. तो मैंने जो आपको जमीन बेची, मैंने कहा कि मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ जो मेरा 100 गज का प्लॉट है गाजियाबाद में, और वो एक राम पर्सन के क्या है, कब्जे में है, क्लियर, या उनका उस पर पोजिशन है, क्लियर. अब इस हाफ हमारी ट्रूथ है और हाफ हमारी क्या, किसी और सेट से लिंक्ड है. और सेट से लिंक्ड कैसे, मैं बताता हूं. अब जो मैं अपना फ्लैट दे रहा हूं, ये जो भी मैं अपनी लैंड दे रहा हूं जो गाजियाबाद में है, वो तो बात सच है, बट वो राम के कब्जे में नहीं है. और जो लैंड मैं आपको बोल रहा हूं जो हमारे राम के कब्जे में है, वो गाजियाबाद में नहीं है, समझ रहे हो. तो यानी कि जो हाफ सेट है वो किसी और चीज से लिंक्ड है, और हाफ सेट क्या है, किसी और चीज से लिंक्ड है, कि मेरी जो लैंड है वो गाजियाबाद में है बट वो राम के कब्जे में नहीं है, और जो राम के कब्जे में लैंड है वो गाजियाबाद में नहीं है, क्लियर. तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, क्लियर. ये किससे रिलेटेड है, इट रिलेटेड विद द लेटेंट डिफेक्ट, क्लियर. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 98. स्टूडेंट मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अब भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे बता सकते हैं. सेक्शन 98 क्या कहता है, एविडेंस एज टू मीनिंग of illegible character etc. अब देखिए, इनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, बट आप इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करना. सेक्शन 98 क्या कहता है, आप एविडेंस दे सकते हैं किस चीज में, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका अग्रीमेंट है, जो भी आपका राइटिंग में अग्रीमेंट है, वो कंटेन क्या कर रहा है, कुछ ऐसे करेक्टर, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, कोई ऐसे एक्सप्रेशन, कोई एब्रीविएशन जो क्या है, इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्लियर. A sculptor agrees to sell to B all my modes. A क्या है, sculptor का मतलब क्या हो गया, जो मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, क्लियर. तो A ने क्या करा, एग्री करा कि वो B को क्या करेगा, सेल करेगा all my modes. अब ये modes क्या है, कुछ ऐसी टर्म्स आपके डॉक्यूमेंट में, आपके अग्रीमेंट में कंटेन करती है जिसका मीनिंग इजिली क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं. A has both. मोड का मतलब क्या हो गया, मॉडल्स भी हो गया, यानी कि स्टैचूज भी हो गया, और टूल्स भी हो गए, यानी कि यहां पे जो आपका क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. ऐसी टर्म आपके डॉक्यूमेंट में यूज हो रखी है, या कोई भी चीज आपके टेक्निकल वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट में यूज हो रखे हैं, जो क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं.
तो उस चीज को, उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। तो जैसा कि हमारे इलस्ट्रेशन में, हमारे एग्जाम्पल में, ऑल माई मोड्स, तो मोड्स का मतलब क्या है, मोड्स का मीन्स क्या हो गया, स्टैचूज हो गया, ये मॉडल मोड्स हो गया, या क्या हो गया हमारा, मॉडलिंग टूल्स हो गए, यानी कि मॉडल्स हो गए, स्टैचूज हो गए, या मॉडलिंग टूल्स के बारे में हो रहे हैं। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि जो हमारा मोड है वो हम किसके बारे में, किस वे में यूज कर रहे हैं, हम स्टैचूज की टर्म्स में यूज कर रहे हैं या उसे टूल्स की टर्म्स में यूज कर रहे हैं। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 99, लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू आर डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कंटेम्पेरेनियस अग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, और उसी के साथ साथ कंटेम्परेनियस अग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई साथ के साथ क्या कर लिया, कोई ओरल अग्रीमेंट कर लिया। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना फ्लैट क्या करूँगा, क्या दे रहा हूँ, रेंट पे दे रहा हूँ, तो जो टेनेंट है उन्होंने क्या कहा कि सर आप इसे क्या करेंगे, क्लीन करके देंगे, या एक ओरल अग्रीमेंट हो गया कि सर मैं आपको तभी किराया दूंगा, यानी कि तभी आपके घर में रहने आऊंगा, तभी आपका घर किराए पे लूंगा जब आप अपना किचन क्या करोगे, मॉड्यूलर करोगे। क्लियर, तो यानी कि क्या हो गई, कोई ओरल अग्रीमेंट में क्या कर दिया, वो टर्म्स को हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वैरी कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ हमने ओरल अग्रीमेंट कर लिया। इलस्ट्रेशन से और अच्छी तरीके से समझ आएगा, देखते हैं। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल अग्रीमेंट दैट 3 month क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। यानी कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बी क्या करेगा, कॉटन्स सेल करेगा किसे, ए को, और ए उसी टाइम क्या हो गया, एक ओरल अग्रीमेंट हो गया ए और बी के बीच में कि जो अमाउंट रहेगी वो क्रेडिट रहेगी, यानी कि जो सामान लिया गया वो किस पे लिया गया, उधार पे लिया गया, 3 month बाद क्या होगी, उस चीज की पेमेंट होगी। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी बट इट माइट बी शोन बाय सी। और ये चीज यहां हम थर्ड पार्टी का भी इंडल्जमेंट करते हैं, बताऊंगा एक और एग्जांपल से। इफ इट इज अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट, यानी कि अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, एविडेंस दे सकता है। एग्जांपल से समझते हैं, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मैंने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी अपनी ओएलएक्स पे डाल दी। कोई भी पर्सन मेरे से कनेक्ट हुआ जो क्या था, एजेंट था, उन्होंने कहा सर मैं आपकी प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं, बिकवा दूंगा, मेरा कमीशन लूंगा मैं 2%। क्लियर, तो फॉर एन एग्जांपल उसका 2% के हिसाब से क्या बैठ रहा है, 2 lakh rupees कमीशन बैठ रहा है। मेरी प्रॉपर्टी कितनी होगी, 50 lakh की हो गई, फॉर एन एग्जांपल, तो 2% उसका कमीशन बैठ रहा है। तो जो 2% उसका कमीशन बैठ रहा है, अगर मैंने कहा कि जब मुझे पूरी पेमेंट आ जाएगी, अभी मुझे एडवांस आ गया, अब जब मुझे पूरी पेमेंट आ जाएगी तब मैं क्या कर दूंगा, तुझे पेमेंट कर दूंगा। क्लियर, मैंने कहा तुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। पूरी पेमेंट आ गई, रजिस्ट्री उसके नाम हो गई, उस पर्सन को पोजीशन मिल गया, अब मैं उस एजेंट को पैसे ही नहीं दे रहा। तो जहां हमारा थर्ड पार्टी भी है तो वहां पे क्या हुआ था, एक ओरल अग्रीमेंट हुआ था। मैं कहूँगा मेरी प्रॉपर्टी मैंने उस पर्सन को बेच दी, आपका क्या इंडल्जमेंट है, तो वो उसका इंटरेस्ट ही अफेक्ट हो रहा है, वहां उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। क्योंकि जब हमने रिटर्न अग्रीमेंट करा तो वहां पे हमने क्या कर दिया था, एक ओरल अग्रीमेंट भी कर दिया था, एक कंटेम्परेनियस अग्रीमेंट भी हमारे बीच में हुआ था। क्लियर, तो यानी कि अगर थर्ड पर्सन का भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो क्या दिया जाएगा, यहाँ पे हमारा एविडेंस दे सकते हैं। क्लियर, होपफुली आपको सेक्शन 99, 98, 97, 96, 95, 93, 94 सारे ही टॉपिक क्लियर हुआ हो, लेटेंट डिफेक्ट, पेटेंट डिफेक्ट में डिफरेंस क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ जल्दी मुझे DM करें मेरे Instagram अकाउंट shubhamdobal.rudu में। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उस पर वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा कोशिश करूंगा उस कंसेप्ट को क्लियर करने की। बट वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।